दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते हैं हाँ उनमें एक कॉमन क्वालिटी है हाँ जो डी से स्टार्ट होती है आप लोग सोच के बताइए कि वो क्वालिटी क्या है डी से डी से ये जो टॉप गन मूवी है टॉप गन मूवी में देर इज दिस गाय टॉम क्रूज हु इज बीन शोन एज अ मैवरिक राइट सो आई डोंट नो इफ यू आर एल्स बट इट्स लाइक प्योर ब्रिलियंस दिखाया गया ब्रिलियंस एंड एरोगेंस एंड ये काफ़ी हद तक इमेज बन गई कि सक्सेसफुल पीपल आर डेफिनेटली आरोगेट बट ऑल्सो ब्रिलियंस दे आर मैवरिक वो जादूगर टाइप से या वो कुछ ऐसा कर बैठते हैं या वो यू नो इम्पॉसिबल सिचुएशन में विक्ट्री ले आते हैं आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू कुछ होंगे मैवरिक और या फिर कुछ लोग स्टोरीज होगी स्टोरीज होंगे ऐसे जिस विच मेक्स यू थिंक दैट दे आर मैवरिक लाइक स्टीव जॉब्स मैजिक टच है जो छुएगा वो ग्रेट हो जाएगा

जो भी आप पढ़ते हो वो एक हाईलाइट रील है हाँ. वो हाईलाइट रील के पीछे जो तपस्या है हाँ. कि वो चाहे एक्टर हो चाहे एंटरप्रेन्योर हो उस तपस्या को कोई दिखता ही नहीं है एंड हाँ. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है हाँ. चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल हो हुँ. कि उसने हार्डवर्क नहीं किया हो हुँ. ऐसा हो ही नहीं सकता हार्डवर्क इज अ प्रेरिकस इज नॉट समथिंग जस्ट वन सडनली वन डेट यू आर बिकमिंगली विराट कोहली ने टू 2012, थाउजेंड 2012 एक, एक, एक वीडियो देखा था हाँ. उसको जो एक एक रियलाइजेशन आया कि यार इफ यू वांट टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेटर यू कैन नॉट जस्ट बी दू कैन नॉट जस्ट फंक्शन द वे यू आर फंक्शनिंग उसको एक मोमेंट आया उसके हाँ. बाद उसने अपनी डाइट अपने अपने जो जिम का जो उसका रूटीन था उसने पूरा बदल डाला एंड देन ही वर्क हार्ड ऑन हिमसेल्फ टू बिकम हुई सो so, कोई भी व्यक्ति केवल आज के हाँ। दिन सक्सेस देखता है लेकिन हाँ। उसके पीछे का हार्डवर्क देख नहीं पाता है राइट एंड हार्डवर्क हर व्यक्ति करता है एंड दैट्स नॉट अ ऑप्शन हाँ एंड स्पेशली uh, हाँ। ये जो सोशल मीडिया एज है या जैसे कोई ये वीडियो भी देख रहा है दे आर नॉट रियलाइजिंग कि कितने बार रिटेक हुआ होगा ऐसे किसी वीडियो को बनाने में एब्सोल्युटली या फिर अगर कोई एक अच्छा इम्पैक्टफुल आपके जैसे यू आर अ वेरी इम्पैक्टफुल स्पीकर बट वो स्पीकर बनने के लिए जो पिछले दस पंद्रह साल की जर्नी रही है पीपल में नॉट है राइट सो द इज नो इजी वे टू सी इट एक्सेप्ट लिविंग थ्रू इट्सोलूट सो फेर हाईलाइट रील इज आई थिंक वी जज आर सेल्वस ऑन द बेसिस ऑफ हुर मे बी आट आर वर्स्ट एंड वी थिंक ऑफ अदर्स और वी थिंक हाउ ग्रेट अदर्स आर

बट लिटिल दे नो दैट हर व्यक्ति यही सोच रहा है Haan, हर honest, व्यक्ति यही सोच रहा है क्योंकि आप कभी डिप्रेस्ड हो आप yeah. रो रहे हो तो आप yeah. आपने वो फोटो तुम तो डालोगे आप तो अपने बेस्ट मोमेंट को फैक्ट इज ऑफ दैट इज अ वेरी वेरी अ प्लास्टिक वर्ल्ड नॉट रियल वर्ल्ड एंड एंड मेनी पीपल आर डिप्रेस्ड बिकॉज दे फील दैटर लूजिंग आउट इन लाइफ एंड एवरीबडीज फन ऐसा है ही नहीं सो एवरीबडी चाहे वो फिर रणवीर रणवीर yeah. सिंह हो, चाहे yeah. वो विराट कोहली हो yeah. चाहे वो शाहरुख खान हो yeah. चाहे वो इलॉन मस्क हो वे राइट फ्रॉम पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू सो एक एक्सपेरिमेंट आई थिंक मी ये मैंने ट्राई नहीं किया है बट आई सीन कि जब भी मैं कोई वेकेशन पर जाता हूँ तब मैं बहुत सारी फोटोज खींचता और उन्हें तुरंत मैं जो है इंस्टाग्राम पर डाल भी देता हो आपको अच्छे फोटोज़ होते दिखाता भी कुछ फोटोज़ में भी आई इंक्लूड इन दिस वीडियो राइट एंड उस पर इतने लाइक्स आते इतने जवाब आते हैं मुझे भी लगता है कि मैं भी इंस्टाग्राम से ही कर रहा हूँ अभी सो हेर इज़ अ थाट एक्सपेरिमेंट और अ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट टू डू आप अपने इंस्टाग्राम लीजिए राइट कोई एक अच्छा फ़ॉरन डेस्टिनेशन लीजिए उसकी फ़ोटो किसी अच्छे फोटोग्राफर ने ली हो उसे निकालिए और अपने स्टोरी पर डाल दो वंडरफुल व्यू टुडे मॉर्निंग और पोस्ट कर दो अब आपने रिवर्स कर दिया जहाँ आप लोगों के फोटोज़ ब्यूटीफुल फोटोज़ देख के बोलते थे उसकी लाइफ तो इतनी कूल है लोग अब आप आपकी लाइफ देख कर, जो है सिर्फ एक फोटो जो आपने कहीं से चुराई है उस पर बोल रहे कि आप कितने कूल हो एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द गेम दैट वो एक जो मोमेंट है एक जो फोटो है मैंने कह रहा लोग नकली फोटोज डालते हैं बट पीपल वर नॉट लुकिंग एट कि आप कौन हो दे वर ओनली लुकिंग एट वॉट यू आर पोस्टिंग देर अ डिस्टिंगशन बिटवीन हु यू आर वॉट पीपल थिंक ऑफ यू

हमारे पूर्वज जो है वो बंदर थे नॉट साइंटिफिकली बट इन स्पिरिट तो जो दूसरे कर रहे होते हैं हमें लगता है हमें भी उसे वही चीज़ करने की ज़रूरत है राइट विच मीन्स अगर वो किसी फैंसी फ़ोन या चीज़ पर पैसे खर्च कर रहे तो हमें भी करना ज़रूरी है ओनली देन आई एम सक्सेसफुल राइट या वो कोई फ़ॉरन वेकेशन जा रहे तो मुझे भी जाना ज़रूरी है ओनली देन आई एम सक्सेसफुल या फिर उसने कोई अच्छी गाड़ी ली तो मुझे भी गाड़ी लेना जरूरी है ओनली देन आई विल भी सक्सेसफुल got that so wo, the the driver of my happiness has gone out of my control right my success is no longer about what i decide it is it is a benchmark which is in the public view. so from the instagram ka example if i have to bring that focus within me inside me again um, what is the framework for that how do i operate where you know what thinking do i operate from which

हैप्पीनेस एक्चुअली होता है क्या उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने समझा है जीवन को देख के हाँ। तो पहली बात तो ये है कि हैप्पीनेस क्या नहीं है हमें वो जानना चाहिए सो हैप्पीनेस इज नॉट प्लेजर जो आप कोई भी चीज आप पिज्जा खा लो तो आपको जो हाँ। वो मिलता है जो किक मिलता है उसको प्लेजर कहते हैं प्लेजर कभी भी टेम्परेरी होता है हाँ। जबकि हैप्पीनेस परमानेंट होता है सो हाँ। okay. so, पहली पहला डिस्टिंक्शन तो है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ प्लेजर नंबर टू हैप्पीनेस इज नॉट स्माइल अगर आप हाँ. देखेंगे कि कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है तो लगता है अच्छा ये तो हैप्पी है हैप्पीनेस हाँ. का मतलब ये नहीं होता कि आपको हंसना है हाँ. अगर कोई व्यक्ति बे यू नो बे कोई कारण के अगर हंसे जा रहा है तो आप हाँ. उसको पागल बोलोगे हाँ. तो हैप्पीनेस इज नॉट स्माइल एंड लाफ्टर इवन अ डिप्रेस पर्सन कैन वॉच अंदाज अपना अपना एंड ही कैन लाफ सो हैप्पीनेस इज नॉट इवन है तो हैप्पीनेस है क्या चीज अगर हैप्पीनेस प्लेजर नहीं है हैप्पीनेस 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 नहीं है तो है तो क्या चीज हाँ. एक जब व्यक्ति ग्रेटफुल होता है कि मेरे जीवन में जो है मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है हाँ. पहली बात ग्रेटफुलनेस की आती है हुँ. दूसरा व्यक्ति जब एक फुल एक्सेप्टेंस कंप्लीट एक्सेप्टेंस की स्टेट में होता है हुँ. जब वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है कि मैं जहां हूं मैं सही जगह पे हूँ मैं जैसा हूं परफेक्ट हूं हाँ मुझे ग्रो करना है मुझे हाँ, उसके लिए मेरी प्लान मेरी स्ट्रेटेजी ये है बट हाँ, मुझे अपने आप से कोई कोई शिकायत नहीं है हाँ, और ना ही मुझे इस दुनिया से कोई शिकायत है ना ही मुझे अपने आसपास के लोगों से कोई शिकायत है हाँ, जब व्यक्ति सब लोगों को फुल्ली एक्सेप्ट कर सकता है जैसा जैसे वो है और जैसे वो नहीं है तब जाके वो एक इनर पीस आता है जब व्यक्ति या तो ग्रेटफुल रहेगा और फुल्ली एक्सेप्ट करेगा लोगों को तब जाके उसके अंदर एक स्टेट ऑफ माइंड में पीस आता है और तब वो व्यक्ति हैप्पी हो सकता है और ये अंदर की बात है ये आप बाहर नहीं खोज सकते हो सो so अगर आपको दुनिया में सब चीजों को एक्सेप्ट करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना है अगर आपको ग्रेटफुलनेस एक्सपीरियंस करना है तो आपको रोज ग्रेटफुलनेस की एक्सरसाइजेस करनी है कि आप क्या चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जीवन में जब आप वो करोगे तब आप वो शांति पाओगे और जब वो शांति पाओगे तब आप हैप्पीनेस में आओगे हैप्पीनस इज नॉट आउटसाइड यू इट इज ऑलवेज इनसाइड यू ये ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज जो आपने कहा लाइक yeah. जर्नलिंग like का जो पार्ट बनता है आई एम न्यू टू दैट कंसे बट आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू इट थोड़ा उसके बारे में बताइए सो ग्रैटिट्यूड पहली बात तो ग्रैटिट्यूड क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है वो जाननाटेंट है्यूमन माइंड जो होता है ना hmm. उसके अंदर uh, इट्स वेरी नेचुरल फॉर ह्यूमन माइंड टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम लाइफ में मेरे क्या दिक्कतें हैं हाँ वो नेचुरली आता है राइट right. तो जैसे ही आपका ध्यान आप माइंड को लेके जाते हो कि मेरे जीवन में अच्छा क्या है हाँ. तो प्रॉब्लम वाली मेंटालिटी है वो बाजू में हो जाती है और हाँ. आप अच्छे पे फोकस करना चालू कर देते हो हाँ. ऐसा कहा जाता है कि या तो माइंड में ग्रेटफुलनेस रह सकता है या तो कंप्लेन रह सकते हैं ह्यूमन माइंड कैन नॉट है सीक्रेट वाई यू शुड डू ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइजेज सो so, एक तो हो गया कि क्यों करना चाहिए बिकॉज वेन यू आर हैविंग ग्रेटफुलनेस था इन योर माइंड योर एनर्जी इज हाई यू फील गुड अबाउट योर लाइफ यू फील ब्लेस्ड अबाउट योर लाइफ सेकेंड कम्स हाउ डू यू डू ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइजेस जो सबसे सिंपलेस्ट चीज मैंने देखी है वो दो देखी है आप जिस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं पहला है लोटस ऑफ ग्रेटिट्यूड आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप दो हाथ को ऐसे बंद कर लें और आप एक एक चीजों को काउंट करिए आपके जीवन में जो आपके अच्छा है hmm. अगर आपके पास मकान है रहने के लिए तो यू कैन से आई एम थैंकफुल दैट आई हैव अ होम देन यू कैन थिंक सेकंड थिंग थर्ड फोर्थ वट एवर यू आर ग्रेटफुल फॉर यू थिंक अबाउट टेन थिंग्स एंड वेन यू स्लीप अगेन यू क्लोज द लोटस हाउ लोटस ओपन एंड लोटस क्लोज यू नो लाइक यू थिंक अबाउट टेन थिंग्स इन द मॉर्निंग वेन यू वेक अप वट आर यू ग्रेटफुल फॉर एंड टेन थिंग्स वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर वेन यू स्लीप that is one way of doing it second way that many people do is by journaling they have a very specific ritual that before they sleep they will write down what are they grateful for in their life they will fill up one page before they sleep so that is another way of doing gratitude exercises so basically there is some science some method some framework which you can follow absolutely and in a way tame your natural instincts और इफ आई एम टू यूज अ मोर पॉजिटिव वर्ड ट्रेन योर सेल्फ टू बी मोर है कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड और लोड लें मैं आपको एक wow. इसमें एक एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ हाँ. घर में जो फर्नीचर होता है उस पर डस्ट अपने आप आ जाती है हाँ ठीक है ना उसको साफ करने के लिए आपको उस पर डस्टिंग करनी पड़ती है हाँ. वैसे ह्यूमन माइंड है ह्यूमन माइंड पे डस्ट अपने आप आता है ओके उसमें नेगेटिविटी अपने आप आती है हुँ. आपको डेली बेसिस पे उसको क्लिनजिंग करने के लिए कुछ आपको टूल्स चाहिए हाँ. उसमें से एक है ग्रेटिट्यूड इस प्रकार से वो फंक्शन करता है वॉट आर द अदर दंग्रीडियंट्स टू बी सक्सेसफुल विच है a, a, वो क्या बोलते हैं कि लॉट ऑफ पीपल में वैल्यू मकान और अ गाड़ी <laughs> about, happy, right? so तो सक्सेसफुलट कोहर इंग्रीडियंट अलाथ ग्रेटिट्यूड मुझे सिर्फ ग्रेटिट्यूड के साथ नहीं छोड़ना है मैसेज डज नॉट दैट विल्पीट मे नॉट मेक यू फुलसफुलट इज यू टू बी सक्सेसफुलिस और चाहिए बाकी इंग्रीडियंस क्या है सो <laughs> so, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और हाँ। मैं आपको भी एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ हाँ। आप मुझे बताइए कि हाँ। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग देखते हैं हाँ। उनमें एक कॉमन क्वालिटी है हाँ। जो डी से स्टार्ट होती है आप लोग सोच के बताइए कि वो क्वालिटी क्या है डी से डी से, D से। D तो है नहीं कॉमन क्वालिटी फॉर ऑल सक्सेसफुल पीपल स्टार्ट्स विद डी एज बोलते तो मैं हार्ड वर्किंग बोल देता अभी आपने दिस इज दिस इज लेट मी लेट मी रोल इट आउट फॉर यू डिसिप्लिन इज दैट वन क्वालिटी ओके और uh, मजे की बात यह है कि आप uh. अगर किसी को

याने आपको जो मैं एक इंग्लिश में बोलता हूं फिर मैं उसको हिंदी में रूपांतर करता हूं डिसिप्लिन इज सम डूइंग समथिंग दैट यू शुड डू वेदर यू लाइक इट और वेदर यू डोंट लाइक इट आई फील दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन आपको अगर hmm. मार्केटिंग करने के लिए आपको सो कॉल्स करने हैं hmm. तो यदि आपको वो पसंद है या नहीं पसंद है आपको वो करना है तो करना है दैट इज डूइंग इट यस अभी सोल्जर आप देख लो ठीक है ना क्या उसको पसंद है सोल्जर को जाके यू नो बॉर्डर पे खड़े रहना इतने समय तक नहीं लेकिन उसकी ड्यूटी है उसको पता है मुझे करना है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ माई डिसिप्लिन तो वो करता है हुँ. आज कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी उठा लो आप जो व्यक्ति डिसिप्लिन है हुँ. वो व्यक्ति सक्सेस क्रिएट करेगा हुँ. तो अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्रिएट करूं हुँ. तो क्लैरिटी प्लस डिसिप्लिन विल क्रिएट सक्सेस व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए कि मेरे को कौन सी दिशा में जाना है और वो दिशा में जाने के लिए जब आपको एक्शन लेना पड़ता है तो आपको डिसिप्लिन लगता है मैं इसको आपको एक और तरीके से बताता हूं वेन यू हैव अ डिसीजन टू टेक एन एक्शन एज पर द गोल एंड वेन यू हैव टू टेक एक्शन उसके बीच में डिसिप्लिन आता है मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आज वाई ही काम करना है और अब मुझे एक्शन लेना है तो मेरा माइंड बोलेगा छोड़ना यार आज नहीं करता है कल कर लेते हैं प्रोकास्टिनेशन माइंड बोलेगा यार क्या मैं ये कर पाऊंगा सेल्फ डाउट माइंड बोल सकता है यार अगर कुछ गड़बड़ होगी तो तो कैसे चलेगा फियर सो सेल्फ डाउट फियर प्रोकास्टिनेशन ये सारा डिसिप्लिन hmm. को डिस्ट्रॉय करता है ये सारे हमारे थॉट्स होते हैं और आप जब उन सब थॉट्स को बाजू में रख के बोलते हो कि भाई मैंने सोचा है कि मुझे करना है तो मुझे हर हाल में करना है hmm. मैं सक्सेस में सक्सीड होगा तो भी चलेगा मैं मैं फेल होगा तो भी चलेगा लेकिन मुझे करना है राइट right. तो आप जब एक्शन लेते हो हाँ. तो या तो आपको सक्सेस मिलता है हाँ. और या तो आपको नहीं मिलता है हाँ. लेकिन आपको सीखने पक्का मिलता है दैट्स वाई यू शुड टेक एक्शन वंस यू डिसाइड दैट टेक एक्शन एंड यू शुड नॉट लेट माइंड कंट्रोल योर शॉर्ट्स कि आपको जो करना है वो करना ही है

रेजिस्टेंस हमें रोकता है और जब आप रेजिस्टेंस को आपको मारने की ताकत आ जाए या फिर उसको कंट्रोल करने की ताकत आ जाए आपको माइंड को ताकत कंट्रोल करने की ताकत आ जाए तब आपके लिए लाइफ बहुत सिंपल हो सकती है वाह wow. डिसप्लिन पर बेस्ट जो मैंने एक कोट पढ़ा था दिस वाज जब मैं अपने वर्कआउट्स कर रहा था विद माई ट्रेनर तब मैंने एक बार मेरा एक फ्रेंड है जो है ना अपडेट्स देखता था मेरे एक्सरसाइज के और मैसेज करता था ग्रेट वेल डन तो मैंने उसको एक दिन रिप्लाई किया और कहा कि um, आज इतना अच्छे से नहीं हुआ वो वर्कआउट इन यू नो इंटेंस नहीं था सो so उसने मुझे एक कोटेशन भेजा फोटो भेजी एक कोटेशन uh, की विच सेड इंटेंसिटी एड्स कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स वाओ सो यू आर बीइंग कंसिस्टेंट बस जस्ट बी एट इट इंटेंसिटी जो है उसकी चिंता मत करी यू आर डूइंग इट यू आर कंसिस्टेंट आप डिसिप्लिन है वर्कआउट में तो बहुत जरूरी है ये जस्ट कीप डूइंग इट

अशुदोष um, जी का एक्शन प्लेनर जो प्रोग्राम है उसे एक्सप्लोर करें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा आई एम पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम एंड आई कैन टेल यू अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी क्रिएट करना है द इज नथिंग बेटर दैन दैट प्रोग्राम सात दिन का आप ट्रायल कीजिए दैट इज इनफ आई थिंक टू कॉज अ बिग इम्पैक्ट इन इट्स सो डू ट्राई इट आउट लिंक डिस्क्रिप्शन में है थैंक यू थैंक यू अंकुर